श्रद्धा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाना दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हर रोज हो रहे नए खुलासे और आरोपी आफताब के बदलते बयान ने दिल्ली पुलिस की सरदर्दी बढ़ा दी है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने 80% जांच पूरी कर लेने का दावा किया है। पुलिस को आफताब की ओर 4 दिन की रिमांड मिल गई है। इस समय में दिल्ली पुलिस अपनी जांच पूरी करने की हर संभव कोशिश करेगी। इस बर्बर हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। आफताब से तकरीबन 3.5 घंटे तक पूछताछ की गई। इस दौरान आरोपी से 18 से ज्यादा सवाल पूछे गए। ज्यादातर सवाल श्रद्धा की हत्या से जुड़े थे। दिल्ली पुलिस आज भी आफताब को FSL में पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए लेकर जाएगी। पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा होते ही पुलिस आफताब का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में है। इस बीच फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से आफताब की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें वो बिल्कुल रिलैक्स दिख रहा है, एकदम कॉन्फिडेंट। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, उसने अपना चेहरा मास्क से ढक रखा था, लेकिन वह बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा था। तस्वीरों में वह किसी अधिकारी से बात करता दिख रहा है। इससे पहले मंगलवार को आफताब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। आफताब ने कोर्ट में जज के सामने कई कबूलनामे किए। आफताब ने कहा कि हाँ जज साहब, मैंने ही श्रद्धा को मारा है। जो हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट था। कोर्ट में आफताब ने उस हथियार की लोकेशन के बारे में भी बताया जिससे श्रद्धा के टुकड़े किए गए थे। वहीं दिल्ली पुलिस को शक है कि आफताब सबको गुमराह कर रहा है। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा रही है, हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। नए खुलासे में सामने आया है कि आफताब श्रद्धा की लाश के टुकड़ों का हिसाब किताब भी रखता था। इस खौफनाक वारदात के लिए उसने बाकायदा एक रफ नोट बनाया था। इसमें कितने टुकड़े कहां ठिकाने लगाए, इसकी पूरी जानकारी वह रफ नोट पर लिखता था। दरअसल आफताब और श्रद्धा के छतरपुर फ्लैट से पुलिस को रफ साइट प्लान मिला है। इसी के आधार पर पुलिस बाकी बचे बॉडी पार्ट्स के लिए सर्च कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 Digital।